वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टोटल सॉल्यूशन मिलान। दोस्तों जो भी पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो और जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो और सबसे पहले मेरा नया नया वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ मॉस्क्वीटो किलर बैट। तो दोस्तों इसका ऊपर ही वीडियो है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये जो बैट है ये पूरा डेट है, ख़राब है। तो इसको ही हम खोल के स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे इसमें क्या खराबी है। तो आप देखते रहिए। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर 4 वोल्ट का 500 मिली एम्पियर का बैटरी दिया हुआ है। तो इसको हम नापेंगे तो थोड़ा गड़बड़ है मीटर में दोस्तों, ठीक तरह से चेक नहीं हुआ। तो देखिए इसका जो है बैटरी ड्रॉप है। तो इसका तो बैटरी चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको देखना पड़ेगा बैट सही है कि नहीं है, क्योंकि नया बैट ही है दोस्तों, लेकिन बहुत दिन से ख़राब होने के बाद रख दिया था घर में। तो इसी कारण बैटरी चेंज करने से पहले इसको टेस्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो बैटरी भी लगा देंगे और ठीक भी नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा दोस्तों। तो अभी बैटरी में हम अलग से 4.5 वोल्ट दे दिया हूँ दोस्तों। अभी जो है इसका माइक्रो स्विच है उसका वोल्टेज मैं नाप रहा हूँ। देखिए इसका जो है 5.5 वोल्ट आ रहा है दोस्तों, तो माइक्रो स्विच में एक साइड में आ रहा है। अभी माइक्रो स्विच को दबा के देखना पड़ेगा माइक्रो स्विच के दूसरी तरफ वोल्टेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो माइक्रो स्विच को हम थोड़ा दबा के देखेंगे। अभी देखिए दूसरा साइड में तो नहीं जा रहा है वोल्टेज, अभी दबा के देखेंगे। देखिए अभी पास हो रहा है वोल्टेज स्विच दबाने के बाद। तो अभी देखिए स्विच दबाने के बाद इसमें थोड़ा लाइन उल्टा लगा हुआ है, मतलब स्विच माइक्रो स्विच दबाने के बाद उसके बाद ऑन ऑफ स्विच हो के वो सर्किट के अंदर वोल्टेज जाएगा दोस्तों। तो देखिए ऑन ऑफ स्विच में वोल्टेज आ रहा है एक तरफ और इन कर रहा है, लेकिन आउट जो हो रहा है वो वाला पिन हमको नापना पड़ेगा कि स्विच से बाहर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वोल्टेज। अंदर तो जा रहा है स्विच के, लेकिन स्विच से बाहर वोल्टेज नहीं जा रहा है दोस्तों। तो इसका प्रॉब्लम ये है, इसका जो स्विच है दोस्तों ये ऑन ऑफ स्विच, तो ये वाला स्विच ख़राब है। लेकिन क्योंकि ये नया वाला बैट है दोस्तों, तो इसीलिए इस स्विच को ख़राब होने की ज़रूरत नहीं था, फिर भी ख़राब हो गया क्योंकि बहुत दिन से रख दिया, इसीलिए शायद इसके अंदर रस्ट आ गया हो थोड़ा सा। तो इसको देखेंगे, अभी शॉर्ट कर देता हूँ वो वाला स्विच को, तो शॉर्ट करके हम दिखाता हूँ। अगर स्विच ख़राब रहेगा तो दोस्तों इसका जो LED ग्लो करेगा, और अगर स्विच का प्रॉब्लम नहीं है तो जैसा है वैसा ही रहेगा, इसका LED ग्लो नहीं करेगा। तो देखिए मैं इसको बैट को उठा के घुमा के दिखाता हूँ, इसको माइक्रो स्विच दबा के। तो इसका जो है देखिए दोस्तों, इसका जो LED ग्लो कलर है, मतलब इसका जो माइक्रो स्विच तो सही है, उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन इसका ऑन ऑफ स्विच ख़राब है दोस्तों। तो देखिए अभी इसका जो शॉर्ट लगाया था हम, वो शॉर्ट को हम खोल देंगे, उससे पहले टेस्ट कर लेता हूँ। देखिए इसमें फ्लैश आ रहा है, तो मतलब इसका जो है ऑन ऑफ स्विच का प्रॉब्लम था और थोड़ा बहुत माइक्रो स्विच का भी प्रॉब्लम है। तो अभी इस सोल्डर को खोल देंगे, खोल के सर्किट को बाहर निकाल के, एक क्योंकि स्विच नया है तो इसीलिए इसके अंदर थोड़ा घासलेट का ऑयल डालेंगे, तो डाल के 2-4 बार हिलाने से वो स्विच ओके हो जाएगा दोस्तों। वही दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा चैनल का वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन ऑल बेल को भी दबा दीजिए सबसे पहले मेरा वीडियो पाने के लिए। और दोस्तों
मेरा जो वीडियो है दोस्तों, मेरा चैनल का आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, लगभग 100 के करीब मेरा वीडियो है दोस्तों। तो वो वीडियो देख के आप बहुत काम सीख सकते हो, बहुत नॉलेज हो सकता है आप लोगों को। तो ज़रूर देखिए वीडियो दोस्तों। और दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर जो आई बटन शो करेगा वहीं पे भी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, वहाँ जाके भी आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों देखिए, अभी इस स्विच को मैंने लगा दिया हूँ, अभी बोर्ड को हम कस देते हैं नाट से। तो नाट से कसने के बाद इसको थोड़ा साफ कर लेते, उसके बाद इसमें लाइन देके हम दिखाएंगे आप लोगों को कि इसका स्विच ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि स्विच के अंदर हमने थोड़ा घास लेट डाला हुआ हूँ। तो इसका जो बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव है वही पे हम अलग से बाहर से 4.5 वोल्ट का सप्लाई दे रहा हूँ। अभी देखिए इसका जो है वोल्टेज देखिए, पहले तो माइक्रो स्विच में आएगा दोस्तों, उसके बाद इसका ऑन ऑफ स्विच में जाएगा, जाने के बाद ऑन ऑफ स्विच के दूसरे पिन से आउट होके सर्किट के अंदर आएगा दोस्तों। तो देखिए अभी तो वोल्टेज इन भी हो रहा है, आउट भी हो रहा है, मतलब ये जो स्विच है ये दोस्तों सही हो गया है। तो इसको हम नाप के देखेंगे। बैटरी को दोस्तों हम चेंज कर देंगे, दूसरा कोई बैटरी लगा देंगे, देखिए नया वाला, क्योंकि वो बैटरी बहुत दिन से पड़ा हुआ है, इसीलिए बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, ख़राब हो गया है, अभी चार्ज नहीं उठेगा। तो देखिए कितना अच्छा फ्लैश कर रहा है दोस्तों। तो अभी इसका जो ढक्कन है वो हम लगा देंगे, लगा के स्क्रू को कस देंगे अच्छी तरह से। तो उसके बाद मेरा बैट रेडी हो जाएगा दोस्तों। तो ओके, थैंक यू वाचिंग माय वीडियो।